मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक दर्जन से अधिक गांव के लोग प्रास्ताविक बांध रोकने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। गांव के लोग महामहिम राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया। तहसील मोहेखेड़ के अंतर्गत आने वाली कोटमहल, कुहाट, रैयत, बीजागोरा, तिकड़ी, पीपलगांव, बोरगांव, भवारी, संगम, मलारी, बाकुल, मेहल, लारी, वनग्राम, अन्य ग्राम, गोहनिया, टेकड़ी के अंतर्गत प्रास्ताविक बांध को रोकने हेतु ग्रामीण गुहार लगा रहे हैं। बांध रोकने के पीछे ग्रामीणों का कहना है कि हमारे पैतृक भूमि इस बांध में चली जाएंगी, इसलिए हम इस बांध को रोकना चाह रहे हैं। कलेक्टर में इसलिए आए हैं कि हमारे जो कन्हान नदी, उसमें डैम बन रहा है जिसमें 13 गांव डूबने जा रहा है। तो हम कलेक्टर साहब के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति और राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने आए कि डैम अलावा हमारे जो आदिवासी क्षेत्र है, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, इसमें आदिवासी लोगों को मतलब नुकसान होगा इसमें, और उनकी जो ज़मीन है वो डूब में चला जाएगी। उनकी जो जंगल की व्यवस्था है, मतलब जो वनों पर निर्भर रहता है, उनकी व्यवस्था में प्रभाव पड़ेगी, और उनकी जो रूढ़ी जो परंपरा है, संस्कृति पे इसका प्रभाव पड़ेगा। तो हमारा कहना यह है कि डैम ना बने हमारे क्षेत्र में। आपका क्या नाम है? मेरा श्यामराव बेटे। आप कहाँ से आए हो? मैं मेलारी बाकुल से आया हूँ। PCN न्यूज़ के लिए छिंदवाड़ा से चंद्रशेखर शुक्रवार की रिपोर्ट।